नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 बीघा जमीन में मकान बनाने के लिए नहीं लगेगा टीसीपी एक्ट। हिमाचल में प्लानिंग एरिया को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में अब 1.25 बीघा जमीन तक मकान बनाने पर टीसीपी एक्ट नहीं लगेगा। 1000 वर्ग मीटर तक लोग बिना अनुमति से भवनों का निर्माण कर सकेंगे। पहले यह 2500 वर्ग मीटर था। भवन निर्माण के दौरान नियमों और कानून को ध्यान में रखा जाएगा। विधायकों से भी इसको लेकर सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के जवाब में कही। विधानसभा के सदस्यों ने इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की सिफारिश की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नया विधेयक नहीं है, विधेयक पुराना है, इसमें कुछ संशोधन है, ऐसे में इसे कमेटी को नहीं भेजा जा सकता है। भंगरोटू में युवक ने कमरे में फंदा लगाकर दी जान, पहले हुआ था ये मामला। भंगरोटू में एक युवक ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान नितिन भबोरिया पुत्र महेंद्र भबोरिया के रूप में हुई है। उक्त युवक रात को अपने कमरे में सोने चला गया था और सुबह मां ने उसे फंदे पर लटका हुआ पाया। अचेत अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक सोमवार को सुबह अपनी बुआ को लेकर मेडिकल कॉलेज गया था। यहां पर एक व्यक्ति को उस पर शक हुआ कि वो लड़का उनका पीछा कर रहा है तथा चेन स्नैचिंग करेगा। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकालकर युवक की पहचान की गई तथा उसे पकड़कर मेडिकल कॉलेज में स्थित पुलिस सहायता कक्ष ले जाया गया। अगले साल से हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे इतने फीसदी कठिन प्रश्न। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 वर्ष बाद प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव करने जा रहा है। मार्च 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पत्र नए प्रारूप में नजर आएंगे। 35% आसान, 30% नपेतुले और 25% कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में बताया कि मार्च 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बदले जाएंगे। अलग अलग सेक्शन में पूछे जाने वाले एमसीक्यू प्रश्नों को सेक्शन ए में रखा जाएगा। ये संख्या 20% तक तय होगी। सावधान रहिए, आज भी प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच मंगलवार दोपहर को भारी बारिश हुई। राजधानी शिमला और सोलन में करीब 3 घंटों तक भारी बारिश हुई। सोलन के बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ के कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित रहा। भूस्खलन के कारण शिमला शहर से वाया चक्कर नेशनल हाईवे बंद हो गया। वाया बालूगंज वाहन भेजे जा रहे हैं। वहीं पाउटा साहिब चिलाई नेशनल हाईवे हेवना के समीप भूस्खलन से 24 घंटे और निगुलसरी के पास शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 23 घंटे बंद रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बुधवार को भी प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। निगुलसरी में पहाड़ी से भारी भूस्खलन और चट्टानी दरकने के कारण सोमवार शाम 7 बजे NH-5 बाधित हो गया। 200 मीटर NH पर मलबा ही मलबा भर गया है। मंगलवार को शाम 6 बजे 23 घंटे बाद हाईवे बहाल किया जा रहा है। रामपुर उपमंडल की 4 पंचायतों को जोड़ने वाली तकलीच देवठी सड़क पर सेरी पुल के पास सोमवार रात से सड़क धंसने का सिलसिला शुरू हो गया। इस कारण हजारों लोगों को आवाजाही में परेशानियां झेलनी पड़ी।